पटियाला तो वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे एक नौजवान का कतल करने के दोष विच पुलिस ने छे नौजवानों गिरफ्तार कर लिया। दो धड़ियां दे विचाले एक लड़ाई हुई सी जिस दे विच एक नौजवान की मौत हो गई सी। इस दे चलदियां सत परिवारों इस निक्की जिही गल दे पिछे हुई लड़ाई ने टेंशन पा दिती है। एक तो वह नौजवान जिसकी जान चली गई ते दूजा छे नौजवान वो ने जिन्हां नूं हुण जेल की चक्की पिसनी पएगी क्योंकि एक वड्डी वारदात नूं इन्हां ने अंजाम दे दिता सी। निक्की जिही गल दे विच होई लड़ाई तो बाद इन्हां ने कतल कर दिता सी नौजवान दा ते उस तो बाद इह हुण पटियाला पुलिस ने गिरफ़्तार कर ले ने। पिछले दिन पटियाला दे SST नगर नज़दीक इकबाल इन होटल बार एक नौजवान की लाश मिली सी जिसकी पहचान प्रितपाल सिंह वजों हुई सी जिसका पोस्टमार्टम पटियाला दे मोर्चरी दे घर विच होया सी। पर जदों पुलिस ने इसकी जांच की तो पता लगा कि यह एक्सीडेंट नहीं बल्कि कतल है जिस विच पुलिस ने कुल 6 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए SSP पटियाला ने दसा कि यह कतल की वारदात को असी 24 घंटों के ही सुलझा लिया। यह सारा कतल एक कुड़ी पिछे होया प्रितपाल सिंह ते सुजल की आपसी रंजिश सी कुड़ी नू लैके जिस करके रोज़ इन्हां दी आपस दे विच लड़ाई हुंदी सी जिस करके सुजल ने अपने साथियों नाल मिलके प्रितपाल सिंह दा कतल कर दिता। इस मामले दे विच हुण 6 मुलजमान नू फड़िया जा चुका है। इस दे नाल ही SSP पटियाला वरुण शर्मा ने लोग नौजवानों नू सलाह भी दिती है कि वह निक्की जिही गल पिछे ना लड़िया करन। कई बार वड्डा अपराध इस दौरान हो जाता है। वरुण शर्मा SSP पटियाला की जुबानी सुनद कि वह लोगों नौजवानों की सलाह दे रहे हैं। जी ताज़ा घटना वापरी है कतल की वारदात हुई है उसके की कार्रवाई की जा रही है। जो दो मर्डर केस ने एक डिवीजन नंबर 4 थाने का एक कोतवाली नाभे थाने का असी दोनों केस ट्रेस एंड डिडक्ट भी कर ले तो जो दोषी है वो अरेस्ट भी कर ले। पहला वाकया 125/23 PS डिवीजन नंबर 4 जिन्हों आप लाहौरी गेट भी कहने उत्थे दो गुटां की लड़ाई होंगी है। शार्प एज्ड हथियारां नाल जिहड़ा प्रितपाल सिंह नाम का व्यक्ति है वह मर्डर कर दिता जाता है। जदों रजिंद्रा हॉस्पिटल उसकी डेड बॉडी पहुँचती है तो पहली इतलाह होंगी है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट होया। इमीडिएटली SP City सरफराज आलम, DSP City 1 संजीव सिंगला, SHO डिवीजन नंबर 4 जसप्रीत सिंह इन्होंने टीम बना के मौके पर पहुँचते तो नाल दे नाल ही जिहड़ी दोषियों की आइडेंटिफिकेशन ते अरेस्ट का प्रोसैस शुरू हो जाता है। बड़ी वड्डी कामयाबी है कि मारन वाले जिहड़े 6 कातिल ने वह विदिन 24 आवर्स असी अरेस्ट कर ले। बड़ी निकी जी गल ते किसी गर्लफ्रेंड या कुड़ी दे नाल अफेयर दे छोटे जे डिस्प्यूट च इन्हां नौजवानों ने जिहड़ा कतल की वारदात नूं अंजाम दिता ते कानून अपना रुख अख्तियार करूगा ते 6 दे 6 दोषी जिहड़े मेन दोषी सीगे उह असी अरेस्ट कर ले। दो तीन अजे होर भी बंदे इहदे च अरैसट करन वाले रहिंदे वह भी असी छेती तो छेती अरैसट करांगे। 25-30 मतलब less than 20 भी है छोटी उम्र दे नाबालिग का वेरीफाई कर रहे हैं जी। डॉक्यूमेंट्स अजे लेंदे टाइम लगेगा क्योंकि बिल्कुल रीसेंट अपराध होया। पर मैं जिहड़े यूथ आ उन्हां नूं भी यह मैसेज देना चाहुंदा आ कि निक्की जी किसी गल ते आपां अपना गुस्सा अपना एंगर जिहड़ा उह कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप टाइम मिथ के कि आ जा तेन वेखते हैं सोशल मीडिया से ललकारे मार के दो ग्रुप इकट्ठे हो जाते उत्थे कई बार गल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो कतल वर्गी जी एक सब तो व्डा जरा IPC च क्राइम आ कतल ही हैगा उन्होंने अंजाम दे दिता जाता है। तो जड़ा मरिया वो फैमिली तो जोड़े 6 एक्यूज ने 7 परिवार जोड़े आ रुल गए बिकॉज ऑफ एक जी कोई छोटी जी झड़प जी होनी सी उदे मतलब कि 7 फैमिलीज हूँ 6 तो दोषी हाँ तो परिवार हो गए दोषी हो गए जिहड़ा एक मरण वाला परिवार हो गया। तो मैं यूथ में यही अपील करना कि जिहड़ी अपनी एनर्जी आ उन्हूं पॉजिटिव कामां च हुण मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब ने खेडां वतन पंजाब दीआं प्रोग्राम दोबारे दूजा वर्जन भी शुरू किया। स्पोर्ट्स च अपनी एनर्जी लाओ, नशियां तो दूर रहो।